भगवान श्री रमण महर्षि से आंध्र प्रदेश के एक भद्र पुरुष ने अष्टावक्र की कहानी सुनी। वह महर्षि के पास पहुँचे और कहा, उस दिन आपने अष्टावक्र एवं जनक की कहानी सुनाते समय रिभु गीता का उल्लेख किया, उस गीता के अस्तित्व में आने का क्या कारण था? अरे वह रिभु महर्षि ने निदाक को जो भी शिक्षा दी थी वह स्वयं रिभु गीता है। भगवान ने कहा, रिभु ने निदाक की परीक्षा कैसे ली? यह कहानी बहुत ही रोचक है। भक्तों के अनुरोध पर भगवान ने मुस्कुराते हुए यह कहानी आरंभ की। यद्यपि रिभु के अनेक शिष्य थे किंतु निदाक के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इसका कारण था निदाक का शास्त्रों का विशद ज्ञान, उनका शुद्ध मन एवं गुरु के प्रति असीम भक्ति। रिभु ने उन्हें स्पष्ट रूप से अद्वैत दर्शन के सार का उपदेश दिया था तो भी शिष्य का मन कर्म की ओर अधिक उन्मुख था तथा वे गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश पर स्थिर न रह सके। वे शास्त्रों में वर्णित सभी कर्म कांड करने लगे तथा अपनी जन्मभूमि में जाकर रहने लगे। वे बहुत दूर थे तो भी गुरु ने उनके बारे में वे चिंतित थे। एक बार वे ग्रामीण का भेष बनाकर निदाक को देखने गए। उन्होंने पाया कि निदाक राजा के महल से आता हुआ शाही जुलूस देख रहे थे। रिभु ने निदाक की परीक्षा लेनी चाही तथा उनके पीछे से कहा, वहाँ इतनी भीड़ क्यों है? निदाक बिना पीछे देखे एवं जाने के प्रश्नकर्ता कौन है, राजा जुलूस में जा रहे हैं। रिभु ने कहा, ओहो राजा जुलूस में जा रहे हैं, राजा कौन है? तब निदाक ने कहा, आप वहाँ देख सकते हैं हाथी पर जो बैठे हैं वह राजा हैं। तब रिभु ने कहा, आप कहते हैं कि राजा हाथी पर बैठे हैं? हाँ मैं दोनों को देख रहा हूँ, किंतु कौन राजा है कौन हाथी है? निदाक ने कहा, यह सब मूर्खता है। आप कहते हैं कि आप दोनों को देख सकते हैं, आप नहीं जानते जो ऊपर है वह राजा है और जो नीचे है वह हाथी है। रिभु ने कहा, मुझे अफसोस है, कृपया मेरे जैसे सीधे व्यक्ति पर नाराज़ मत होइए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक शब्द और आप कहते हैं ऊपर और नीचे, श्रीमान कृपया बताइए इसका वास्तविक अर्थ क्या है? निदाक ने क्रोध के साथ क्या कहा कि क्या मजाक है, यदि आप नहीं समझ सकते तो आपके लिए प्रायोगिक तौर पर बताना होगा, आप नीचे झुकिए तब आप सब समझ जाएंगे। ग्रामीण निर्देशानुसार झुक गया। निदाक उसके पीठ पर बैठ गए और कहा, अब देखिए क्या आप समझ गए, मैं आपके ऊपर राजा जैसा हूँ और आप मेरे नीचे हाथी जैसे हैं, क्या यह ठीक है? क्या आप स्पष्ट रूप से समझ गए? तब रिभु ने कहा, मैं ये समझ गया कि राजा ऊपर और हाथी नीचे है, किंतु आप कहते हैं कि आप और मैं, जिसे मैं समझने में असमर्थ हूँ, कृपया आप और मैं किसे संबोधित कर रहे हैं उसे विस्तार से स्पष्ट करें। उन्होंने इसे शांत और गंभीर स्वर में कहा। निदाक ने इस प्रश्न को सुनते ही समझ लिया कि यह उन्हें इंगित करके कहा गया है। उन्होंने अपनी भेद दृष्टि की गलत समझी तथा तुरंत एक आत्मा के अस्तित्व का बोध किया। गलती समझकर वह तुरंत कूद गए तथा उन्हें समझते देर न लगी कि ग्रामीण देश में कोई और नहीं उनके गुरु हैं। निदाक ने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करी। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरु के अनुग्रह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तब गुरु ने पुनः सत्य की व्याख्या करते हुए उन्हें बताया कि आत्मा में कैसे स्थिर रहा जाए। वह उपदेश ही रिभु गीता है। इस गीता में आत्मा और केवल आत्मा का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। यह कहते हुए भगवान ने समापन किया। हरि ओम तत्सत।